अनुच्छेद 370 को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैली में कहा, कोई ताकत 370 को नहीं ला सकती वापस। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमसे पिछले 6 साल में काफी कुछ छीना गया है, हमारी सरकार बनने के बाद जनता को उसकी आवाज मिली। फारूख अब्दुल्ला ने बोले, आज ये साबित हो गया कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जो फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, वो साथ नहीं खड़े। अनुच्छेद 370 पर फिसली राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की जुबान का, चाहे राहुल गांधी के पिताजी आ जाएं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 कोई नहीं हटा सकता। शिमला में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस और सीएम के खिलाफ निकलेगा समोसा मार्च। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल तेज, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में की चुनावी रैली, विपक्ष को पर जमकर बोला हमला। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने धुले और नाशिक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। धुले में महाविकास अघाड़ी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा महा अघाड़ी की गाड़ी में न पहिया है न ब्रेक है। महा अघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति को बताया लूट का, कुछ लोगों के राजनीतिक आधार सिर्फ लूट। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, बोले कांग्रेस गरीबों और आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देगी। वही राहुल और कांग्रेस पर अमित शाह का हमला, का संविधान के नाम पर ये जालसाजी करते हैं। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने कहा बीजेपी और आरएसएस अंबेडकर के संविधान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पलामू की रैली में एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, राहुल गांधी फुसकी बम है उनमें दम नहीं। बीजेपी का दावा, पीडब्ल्यूडी के लिस्ट में दिल्ली सीएम आवास में लगाए गए सामानों की सूची, करोड़ों के खर्च का जिक्र है। बीजेपी के अमित मालवीय ने केजरीवाल को लेकर ट्वीट किया, लिखा लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड इनफेमस अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के करान में गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी प्रचार के दौरान गृहमंत्री ने राहुल गांधी को संविधान पर घेरा, बोले राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास है, संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं और उसमें भी जालसाजी करते हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे का विवादित बयान, अगर बाला साहेब होते तो उद्धव को गोली मार देते, कुडाल की सभा में बोल रहे थे नारायण राणे। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले अजीत पवार, कहा दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना ना करें। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत का पलटवार, का महाराष्ट्र में ना तो कोई बटेगा ना कोई कटेगा, बीजेपी का अपना परिवार एक नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा, फिर भिड़े बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने पर यह हंगामा। जम्मू कश्मीर के सदन में विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई, मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को बाहर फेंका। महाराष्ट्र में चुनावी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 की चर्चा की, बोले कोई ताकत जम्मू कश्मीर में 370 को वापस नहीं करा सकती, एक है तो सेफ है। अनुच्छेद एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। अनुच्छेद 370 पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा शरद पवार और कांग्रेस अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, मैं इन्हें साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी चार पुश्तें भी आएंगी तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगी। झारखंड चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज, सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, का झारखंडवासी की थाली से रोटी हड़पने का काम किया था पूर्व की बीजेपी सरकार ने। पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते मर गया।
झारखंड के चुनावी रैली में अनुराग ठाकुर ने अपने अंदाज में दोहराया कटेंगे तो बटेंगे का नारा, का इतिहास और वर्तमान गवाह है। हिंदू जब भी जाति क्षेत्र और भाषा के नाम पर बटा है तो बड़ी ही निर्ममता से कटा है। इतिहास और वर्तमान ये गवाह ही है कि जब भी जाति और भाषा के नाम पर हम बटे हैं तो कटे हैं और बड़ी निर्ममता के साथ हिंदू कटे। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने दो विचारधाराओं की लड़ाई की चर्चा की, कहा देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर बोला दावा, कहा राहुल ने की हिंदू समाज को बांटने की कोशिश, एकजुट रहो सुरक्षित रहो। मुजफ्फरनगर में यूपी उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर दिया नया नारा, बोले जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराए। सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर किया शायराना हमला, लिखा अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 बीजेपी उपचुनाव में हार रही 9 की 9। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का झारखंड दौरा, झारखंड चुनाव को लेकर विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। दिल्ली में कांग्रेस ने शुरू की न्याय यात्रा, अजय माकन बोले केजरीवाल के खिलाफ हमारी मुहिम की शुरुआत, हिमाचल सीएम सुक्कू भी मौजूद। दिल्ली के सीएम आवास पर गरमाई सियासत, बीजेपी का दावा, पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के सीएम आवास में लगे सामानों की सूची जारी की। 50 एयर कंडीशन के साथ लगे हैं 12 झूमर और 75 महंगे स्पीकर्स, बीजेपी बोली धनी केजरीवाल की आलीशान लाइफस्टाइल। पंजाब के लुधियाना में सरपंच समागम को अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया, बोले एमएलए बनना ज्यादा आसान है लेकिन सरपंच बनना उससे मुश्किल। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी संगम के किनारे पदयात्रा में लिया हिस्सा, जनसैलाब। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4-3 के अंतर से आया है यह फैसला। अल्पसंख्यक के दर्जे पर 3 जजेस की बेंच, बाद में करेगी फैसला, संस्थानों के मापदंड दोबारा होंगे तय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के चलते एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को किया गया था चैलेंज, कोर्ट ने माना अल्पसंख्यक संस्थान। सीजीआई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का आखिरी दिन रहा कल, भावुक विदाई भाषण में कहा कल से नहीं दे पाऊंगा न्याय लेकिन मैं संतुष्ट हूं, 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी डीवाई चंद्रचूड़ ने। वहीं हिमाचल प्रदेश में गहराया समोसा विवाद, सीएम सुक्कू बोले समोसे के लिए नहीं खराब व्यवहार के लिए बनी कमेटी। समोसा विवाद पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने दी सफाई, कहा जांच का सरकार से कोई लेना देना नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुटकी ली, कहा विपक्षी लोगों ने नहीं खाया समोसा, हर स्तर पर अराजकता है। वहीं सुपुर में आतंकियों के होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी करके तलाशी की, गुरुवार शाम से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई थी गोलीबारी। वहीं दिल्ली की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रही है साहित्य के सितारों की महफिल, 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज सितारे। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार और भव्य, सरस्वती वंदना और अनूप जलोटा के भजन से होगा शानदार आगाज। साहित्य आज तक में सिंगर श्रेया घोषाल बिखेरेंगी अपना जलवा, सजाएंगी सुरों की महफिल। साथ ही साहित्य आज तक में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ साथ रवि किशन, अजहर इकबाल होंगे शामिल। साहित्य आज तक का महाकुंभ एक बार फिर से सज रहा है, भारतीय भाषा साहित्य कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है। बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़त। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली में धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम है, एयरपोर्ट पर 900 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया गया। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कराई गई कृत्रिम बारिश, प्रदूषण को काबू करने के लिए यह पहल। अजमेर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड, क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है, सीसीटीवी में कैद हुआ। रीवा में समोसे के अंदर निकली छिपकली, खाने के बाद 5 साल का बच्चा आईसीयू में मर गया। अमृतसर में देर रात वकील पति ने अपनी पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में पुलिस की गोकशी करने वाले अभियुक्तों से एनकाउंटर, पुलिस की गोली से एक आरोपी जख्मी है, घायल सहित पुलिस ने 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किया। उज्जैन में पुलिस ने निकाला गुंडों का जुलूस, लिस्टेड बदमाशों को सड़क पर घुमाकर लगवाई गई उठक बैनर। इंदौर पुलिस का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन, बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर चलाया बुलडोजर। इंदौर में 24 घंटे के बीच 3 हत्याएं, नए पुलिस कमिश्नर के आने के बाद भी अपराध पर नहीं काबू। फतेहपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच एनकाउंटर, गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, एक गिरफ्तार किया गया। करनाल में छठ पर्व के दौरान हादसा, 18 साल के युवक की मौत हो गई, अपने परिवार का इकलौता बेटा था दीपक, शव मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। समस्तीपुर के अल जाफरी मार्केट के टॉप फ्लोर में आग, पड़ोस के घर से निकलकर भागे लोग। वहीं यमुनानगर में हुआ 25 लाख रुपए के फर्जीवाड़े, फर्जी आईडी से पति पत्नी ने लूटे लाखों रुपए, ड्रीम गर्ल की मौत ने खोल दिया राज। अलवर में शादी समारोह में युवती से दोस्ती करके दुष्कर्म का मामला, आरोपी गिरफ्तार। अलवर में सड़क हादसे में पिता और बेटी की हुई मौत, कैंटर ने दोनों को कुचल दिया, ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो गया। उधमसिंह नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी।